नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ हैं तथा अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। ना केवल आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं, बल्कि अपने तथा दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अच्छे से कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति की बात की थी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में स्वतंत्रता तथा समानता की भावना का संचार हुआ था। न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप तथा एशिया के अन्य देशों में भी एक सामाजिक संरचना का पुनर्गठन करने पर बहस छिड़ गई थी। व्यक्तिगत अधिकारों का स्वरूप क्या होना चाहिए, सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, इस बात पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। एक खेमा कहता था कि सामाजिक बदलाव तो जरूरी है, परंतु यह धीरे धीरे होना चाहिए। वहीं दूसरे खेमे का कहना था कि सामाजिक संरचना का पुनर्गठन करने के लिए सामाजिक ढांचे को पूर्ण रूप से बदलना जरूरी है। आज जिस विषय पर हम आपसे बात करेंगे, वह आपकी हिस्ट्री की पुस्तक का दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति। आज हम बात करेंगे कि यूरोप में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग लोगों के क्या विचार थे और क्या वजह थी कि यूरोप में धीरे धीरे समाजवाद की विचारधारा जोर पकड़ने लगी थी। तो जैसा कि मैंने अभी बात की कि यूरोप में किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, इसके बारे में लोगों में मतभेद थे और इसी वैचारिक मतभेद के चलते यूरोप में तीन खेमे बन गए थे, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व के आधार पर एक ऐसी सरकार निर्वाचित करने के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। लेकिन यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। यह लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास ही संपत्ति हो, इसका विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लग गए थे। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आम तौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते
वे भी मानने लग गए थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो उथल-पुथल हुई, उसके दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। 19वीं सदी का दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में ला खड़ा किया। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे, मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई थी, शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे तथा आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। रेडिकल्स और उदारवादियों के पास काफी निजी संपत्ति थी, उनके पास बहुत से लोग नौकरी करते थे और इन्होंने इससे काफी पैसा भी कमाया था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही चाहते थे कि औद्योगिकरण की वजह से आई समस्याओं के कारण किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाया जाए। उनका मानना था कि यदि मजदूर स्वस्थ होगा और पढ़ा लिखा होगा तो इस व्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। रेडिकल और उदारवादी लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले तथा जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज उन्नति कर सकता है। यही वजह थी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द ही गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के बाद एक ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। यही वजह थी कि 1815 के बाद इटली के राष्ट्रपति गिस्सेपे मेज़िनी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। यूरोप में समाजवाद का आना। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद के पुनर्गठन के लिए समाजवादी विचारधारा जोर पकड़ रही थी। समाजवादी एक ऐसी विचारधारा, सिद्धांत या व्यवस्था है जो समतामूलक समाज और राज्य की स्थापना पर बल देती है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वह संपत्ति के निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व ही सारी समस्याओं की जड़ है। ऐसा वह क्यों मानते थे? उनका कहना था कि जिन लोगों के पास संपत्ति है वह दूसरे लोगों को रोजगार तो देते हैं, लेकिन
जब फायदे की बात आती है तो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। वह उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादियों ने इस तरह का बदलाव लाने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी अमेरिका में नया समन्वय अर्थात न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी और आने वाला समाज कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। क्या आप कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में प्रसुया के राइनलैंड प्रांत के भाग ट्रियर में हुआ था। वह एक समृद्ध उदारवादी वकील के पुत्र थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से कानून की पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में वह युवा हेगलियों से अत्यधिक प्रभावित हुए। 1841 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से दर्शन शास्त्र में अपनी पीएचडी की थी। उन्होंने जेनी वोन वेस्ट फेलन से विवाह किया और 1843 में वह पेरिस चले गए जहां उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल से हुई जो जीवन भर के लिए उनके मित्र बन गए। 1847 में उन्हें इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण देने वाले दस्तावेज को तैयार करने का आमंत्रण मिला। इसे मार्क्स और एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था और कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1948 के रूप में प्रकाशित
किया गया। मार्क्सवर्ग संघर्ष के प्रस्तावक थे। उनका मानना था कि वर्ग संघर्ष समाज में परिवर्तन के लिए प्रमुख प्रेरक बल हैं। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगल्स ने अपने विचारों को स्पष्ट और सार रूप से प्रस्तुत किया। इसकी आरंभिक पंक्तियों में कहा गया है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। 1849 में मार्क्स को इंग्लैंड निष्कासित कर दिया गया और वह 1883 में अपनी मृत्यु तक वहीं पर रहे। 1870 का दशक आते आते समाजवाद का विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक संगठन भी बना लिया था। इसके साथ साथ जर्मनी तथा इंग्लैंड के मजदूरों ने अपनी कार्यशैली तथा परिस्थितियों को सुधारने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे तथा संसदीय चुनावों में भी वे पार्टी की मदद करते थे। 1905 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी का गठन हुआ। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, लेकिन 1914 तक यूरोप के किसी भी देश में समाजवादी अपनी सरकार नहीं बना पाए थे। हालांकि संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि जीतते रहे और कानून बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन सरकार पर उदारवादियों, रेडिकल्स और रूढ़िवादियों का ही दबदबा रहा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप मानते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देश के सभी नागरिकों को मिलना चाहिए? क्यों? समाजवादी विचारधारा के लोग निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों था? समाजवाद की विचारधारा का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? मान लीजिए कि निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई है। आप उस बैठक में जो भाषण देंगे वह लिखें। तो आज अभी तक हमने बात की रूढ़िवादी, उदारवादी तथा रेडिकल्स के खेमे के बारे में, औद्योगिक समाज तथा सामाजिक परिवर्तन की तथा यूरोप में समाजवाद की। इस अध्याय के अगले भाग में हम बात करेंगे रूसी क्रांति तथा प्रथम विश्व युद्ध की। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।